हेल्थ टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ रहने के लिए इन 31 नियमों का पालन करें। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में ख़राब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस लेख में आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की शुरुआत करते हैं। टिप्स नंबर 1, संतुलित आहार लें। ये बात तो आप भी मानते हैं कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसे में हमें शरीर में वसा बढ़ने लगती है। तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगती हैं। ये चीज़ें हमें ना सिर्फ मोटा करती हैं बल्कि हमें कई बीमारियों की तरफ भी ले जाती हैं। इसी तरह यदि हम अपने आहार में हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं तो ऐसे में ना सिर्फ हम फिट रहते हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार को संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि अपने आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स तथा अन्य मिनरल्स की मात्रा अवश्य शामिल करें। टिप्स नंबर 2, पर्याप्त नींद लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से ना सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी नींद पूरी हो। हमें जितने घंटों की नींद लेनी चाहिए उतने घंटों की नींद हमें मिल जाती है। हमारे शरीर का विभिन्न प्रक्रियाएं भी सही ढंग से होती हैं। समय पर सोने और समय पर उठने से ना सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कई मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। थ्री, सुबह का नाश्ता है ज़रूरी। स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे समय पर नाश्ता करना, सुबह सही समय पर नाश्ता करने की आदत डालनी चाहिए। एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ें लेते हैं वे पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी के साथ उनका वजन भी संतुलित रहता है। हम नाश्ते में अंडे, दूध, मक्खन तथा फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी, पराठे या तली भुनी चीज़ों की जगह पर दलिया का सेवन किया जाए। इससे हमें संपूर्ण दिन ऊर्जावान होने की अनु
अनुभूति होती है, इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। टिप्स नंबर 4, पर्याप्त जल का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि देखा जाए तो सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ हमें पूरे दिन पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 5-6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हम कितने पानी का सेवन करें यह तो व्यक्ति की उम्र तथा लिंग पर भी निर्भर करता है। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और इसी के साथ साथ शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी एक माध्यम मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए फलों तथा सब्जियों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5, वर्कआउट या व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना अत्यंत जरूरी है। हमें प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली बनी रहती है। इसी के साथ साथ यदि शरीर में एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद है तो वह भी ख़त्म हो जाता है। कर व्यायाम करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा तथा ध्यान एक अच्छी प्रक्रिया है। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम की शुरुआत करें। शुरुआत के दिनों में आप भले ही 2-3 मिनट व्यायाम करें, लेकिन इसकी आदत अवश्य डालें। शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग करनी चाहिए। स्वास्थ्य रहने के लिए कुछ अन्य डेली माध्यम जिनका पालन भी है जरूरी। टिप्स नंबर 1, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से भी कब्ज में राहत मिलती है। टिप्स नंबर 2, दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। इसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। टिप्स नंबर 3, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। टिप्स नंबर 4, प्रतिदिन योगा करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। टिप्स नंबर 5, फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है, बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। टिप्स नंबर 6, कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद घर में खाना बनाने से पहले खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। टिप्स नंबर 7, यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हों तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। टिप्स नंबर 8, घर में सफाई, झाड़ू पोछा, जाला साफ
इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए, इससे वहाँ पर मच्छर कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। टिप्स नंबर 9, फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। टिप्स नंबर 10, खाने से पौष्टिक भोजन दूध खाने में पौष्टिक भोजन दूध दही सलाद फल अनाज हरी सब्जियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्स नंबर 11, खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल सनफ्लावर ऑयल मक्का या ओलिव ऑयल प्राथमिकता देनी चाहिए। टिप्स नंबर 12, बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। टिप्स नंबर 13, में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए, ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने के उपायों को बताना चाहिए, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। टिप्स नंबर 14, शरीर को विटामिन आवश्यकता होती है जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। टिप्स नंबर 15, सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए परंतु कम मात्रा में। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लाभदायक होता है। टिप्स नंबर 16, संतरे अंगूर नींबू व अमरूद में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। टिप्स नंबर 17, अपने भोजन को पोषक तत्व से भरपूर बनाए रखने के लिए इसमें प्रोटीन विटामिन कैल्शियम आयरन खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। टिप्स नंबर 19, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। टिप्स नंबर 20, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इससे यकृत आमाशय फेफड़े इत्यादि ख़राब हो जाते हैं। टिप्स नंबर 21, अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। टिप्स नंबर 22, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण होती हैं। टिप्स नंबर 23, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं। यह पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। टिप्स नंबर 24, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। टिप्स नंबर 25, भूख से अधिक खाना बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टिप्स नंबर 26, शिशुओं के लिए समय समय पर स्तनपान कराना जरूरी है। निष्कर्ष,
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संतुलित आहार की कमी से कुपोषण हो जाता है तथा स्त्रियों में रक्त की कमी, घेंघा रोग, बच्चों में सूखा रोग व रतौंधी तक हो जाता है। यह सब संतुलित आहार की कमी से होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आहार को संतुलित बनाना जरूरी है। इस लेख में हमने स्वस्थ रहने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। से संबंधित सवालों और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं। विशेष किसी भी तरह की एलर्जी, परेशानी तथा मेडिकल ट्रीटमेंट होने की स्थिति में किसी भी नियम का पालन करने से पहले डॉक्टरी परामर्श आवश्यक है।